राइट गाइस, आप लोगों ने देख लिया प्रीव्यू एंड आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीआर अनर्जेड भाई की तरह एडिटिंग है वैसे एडिटिंग करने वाले हैं। सिंपल यही बात है कि ट्यूटोरियल आप लोगों को देने वाला हूं। इस एडिटिंग में मैंने जो भी मटेरियल्स का यूज किया है वो सभी मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप है जो ज्वाइन कर लो एंड स्टार्ट करते हैं आज का जो ट्यूटोरियल। उससे पहले जो भाई भी न्यू आ रहे हो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियो के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कैप कट ओपन कर लेना है, तो वीपीएन वो लोग कनेक्ट कर लेना जरूर से, यहाँ से वीपीएन कनेक्ट कर लेना एंड उसके बाद जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर एंड फर्स्ट अपनी जो क्लिप है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे एंड मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा किस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट अपनी जो क्लिप है यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। सो मैंने क्लिप अपनी यहाँ पे ऐड कर ली है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी क्लिप है उसको हम लोग यहाँ से म्यूट करेंगे एंड इसके बाद अपना जो यूट्यूब शॉर्ट है उसका रेशियो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से ओके कर देते हैं एंड अपनी क्लिप पर जाएंगे एंड यहाँ पर एडिट पर जाएंगे, क्रॉप पे जाएंगे एंड 1.1 का यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे एंड बाकी इसको यहाँ से जूम आउट कर देंगे एंड ओके कर देंगे इसके बाद एंड इसको इसके अंदर पूरा यहाँ से इस तरीके से फिल कर लेंगे एंड इसके बाद ऊपर आपको जो यहाँ पे सेकंड दिख रही है इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। सेकंड दिख रही है यहाँ पे आपको 10 सेकंड से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर मैं जहाँ पर 10 सेकंड आ जाती है वहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से यहाँ पर 10 सेकंड आ जाती है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका पीछे वाला ये पार्ट हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, कट करती है। इसके बाद हम लोगों को इसको जाएंगे आगे लेके एंड इधर जाने के बाद अपना जो एरोप्लेन इधर से जाता है एंड कुछ जाने के बाद बता देता हूँ, तो आप लोगों को कुछ इसको इस एंगल पे रखना है, ठीक है, कुछ इस एंगल पर आप लोग रखना है एंड बाकी जो पार्ट हम इसका कट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की यहाँ से ये क्लिप हो जाएगी, हो जाने बाद इतना मैं यहाँ से रखता हूँ एंड बाकी जो क्लिप है इसको कट कर दूंगा एंड इतने मेरे को क्लिप चाहिए। इसके अंदर मैं स्मूथ स्लो मोशन यहाँ पे ऐड कर दूंगा जितना हो सकता है, तो इसको यहाँ से फुल नहीं चाहिए मेरे को, इतना 20 सेकंड बहुत होगा। तो इसके बाद यहाँ पे बैटर पे करके यहाँ पे स्मूथ स्लो मोशन मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। तो स्मूथ स्लो मोशन अप्लाई होने के बाद जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है स्मूथ स्लो मोशन को, वहाँ से हम लोग यहाँ पे जाएंगे ओवरले के ऊपर एंड ओवरले पे जाने के बाद यहाँ से मैं एक क्लिप अपनी जो ऐड करनी है, तो मैं कौन सी क्लिप है यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये इमोट वाली क्लिप है, तो इसको यहाँ से हमें ऐड करना है एंड अगर आप लोगों के पास ये इमोट नहीं है तो मैं इसके अलावा आपको इमोट के सजेशन दे दूँगा, आप उन इमोट्स को भी यूज़ कर सकते हो जो कि आपको ईजिली मिल जाएंगे अगर आपके पास है नहीं तो भी, बाकी आप इस इमोट का भी यूज़ कर सकते हो एंड आप मेरी ये क्लिप भी यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। तो इसके बाद ये मैं क्लिप यहाँ पे मैंने ऐड कर लिए एंड इसके बाद जाऊँगा कट आउट के अंदर एंड बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करूँगा जिससे कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एंड इसके बाद इसकी जो इसका साइज़ है वो बिल्कुल हमें छोटा कर देगा, जितना छोटा हो सकता है इतना छोटा साइज़ छोटा करेंगे एंड इस तरीके से अपने एरोप्लेन के ऊपर हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद जहाँ से इसको करेंगे थोड़ा आगे की साइड एंड जहाँ से इसका हाथ ऊपर की साइड जा रहा है वहाँ से हमें इसके अंदर एक क्लिप और ऐड करनी है, उसे बता देता हूँ हम लोगों को यहाँ से जो कि आपको पैक के अंदर मिल जाएगी। तो इस क्लिप को आपको लेके आ जाना है एंड इसको थोड़ा सा इस तरीके से जूम करना है एंड कुछ यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा देना है एंड इसके बाद नीचे जाएंगे ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर हम लोग मास्क के अंदर एंड इसके बाद फर्स्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे एंड कुछ इस तरीके से इसको तीर के निशान को हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा फेड दे देंगे इसको, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद जहाँ से इसका हाथ ऊपर की तरफ जाता है ना यहाँ से आपको रोकना है इसको एंड इसके बाद एक क्लिप इसके अंदर और ऐड करनी है, ये है वो क्लिप, तो इस क्लिप को ऐड कर लेते हैं एंड इस क्लिप को आपको ऐड करने के बाद यहाँ पे एडिट पे जाना है एंड इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है, एक सेकेंड मैं बताता हूँ वो यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है, ये इधर वाली जो लाइट है इसको हमें बस यूज़ करना है एंड ऊपर से थोड़ा सा यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से भी कट कर लेना एंड इसके बाद ओके एंड इसको तुम लोगों को यहाँ पे इसको फील इस तरीके से करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ से जाना है आपको ब्लेंड में, ब्लेंड में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे फिल्टर का क्लिक करना राइट कर देना है एंड इसके बाद कुछ इस तरीके इसको एडजस्ट करना है, वो किस तरीके से करना बता देता हूँ। जहाँ से ये लाइट आ रही है फर्स्ट टाइम थोड़ा सा इसको यहाँ पर रखेंगे एंड बाकी जो पार्ट इसका कट कर देंगे
एंड अपना जो प्लेयर का हाथ ऊपर जा रहा है यहाँ से इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे एंड अब इसको करेंगे थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे, एडजस्ट अपना यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसके बाद जो इसका हाथ नीचे की तरफ जाता है यहाँ से कुछ यहाँ से, एंड इसके बाद जो जितना भी पार्ट रह जाता है उस सभी को हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। तो मैं बाकी जो पार्ट है उसको कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देंगे। एंड अपना जो एरोप्लेन है इसकी हमें एक स्क्रीन शॉट लेना है कुछ इस तरीके से, स्क्रीन शॉट लेने में इसको कर लेंगे कुछ इस तरीके से क्रॉप, तो कुछ इस तरीके से हम इसको करेंगे क्रॉप। एंड प्रॉपर इस तरीके से क्रॉप करने के बाद, क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ पे कैप कट को यहाँ पे कट कर देंगे इस प्रोजेक्ट को, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे एंड अभी जो हमने स्क्रीन शॉट लिया है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ये रहा अपना स्क्रीन शॉट एंड इसके बाद यहाँ पे करेंगे ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे एंड फिर से मैं जो स्क्रीन शॉट अभी ऐड किया है इसको फिर से यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो इसको यहाँ पे फुल कर देंगे। फुल करने बाद इसके अंदर जाएंगे आगे, यहाँ पे हमें देना है इसके अंदर एक तो दिखाई देगा स्टाइल का, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग जाएंगे एआई फ़ोटो के ऊपर। यहाँ पे एआई के ऑप्शन पे जाने बाद आपको यहाँ पे आगे एक ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला, इस फिल्टर को आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। तो यहाँ पे अपना जो सिस्टम ओके तैयार है एंड इसको ऊपर वाले को हम लोग यहाँ से पूरा कर देंगे, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे एंड इसके बाद इस क्लिप को यहाँ से पूरा सेट कर देंगे जितनी जो अपना ओवरले है उतना। तो करने के बाद आपको यहाँ से इस क्लिप को सेव कर लेना है, उस प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करना है एंड यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड करने बाद फिर से हम लोग वहीं पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपनी क्लिप थी, तो इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे अपना जो इमोट एंड हो रहा है इसके बाद वो क्लिप हमें यहाँ पे ऐड करनी, वीडियोस पे जाएंगे एंड अपने यहाँ पे क्लिप जो ऐड कर लेंगे। तो ऐड होने के बाद इसको यहाँ पे पूरा कर देंगे जूम कुछ इस तरीके से एंड इस पर आगे जाने बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिवर्स पे। रिवर्स पे क्लिक करने बाद जो अपनी वीडियो है वो रिवर्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्यों चाहिए रिवर्स हमें बताता हूँ। एंड कुछ इस तरीके से ये हो जाएगी, पहले कुछ इस तरीके की वीडियो थी, ये देखो कुछ इस तरीके की थी, ये ज़रा इफेक्ट है वो वापस आ रहा था एंड इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो कुछ ये इस तरीके से लगेगा कि एरोप्लेन बिखर गया, कुछ इस टाइप से लगने वाला है, ठीक है। एंड इसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे एक बात, आपको एक और वीडियो क्लिप ऐड करनी है, तो ये ग्रीन स्क्रीन में आपको यहाँ पे मिल जाएगी पैक के अंदर, इसको ऐड कर लेना है एंड यहाँ पे कप आउट के अंदर जाना है एंड क्रोमा की पे जाना है एंड इसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा कुछ इस तरीके से देख लेते हैं कितना चाहिए। हाँ ओके, एंड थोड़ा सा इसके आगे का पार्ट हम लोग कट कर देंगे, यहाँ से इतना पार्ट हम लोग रखेंगे, बाकी का पार्ट जो कट कर देंगे एंड ऊपर वाली जो अपनी क्लिप है इसके हिसाब से हम लोग रखने वाले हैं एंड इसको करेंगे थोड़ा सा जूम कुछ इस तरीके से, इसको जूम कर लेंगे एंड इसके जाएंगे ब्लेंड पे एंड फिल्टर पे जाने के बाद इसकी थोड़ा ओपेसिटी हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत कटा देंगे कुछ इस तरीके से एंड ओके। एंड इसके बाद इसको चला के देखेंगे हम लोग क्लिप को, कुछ इस तरीके की ये क्लिप यहाँ पे अपनी बन जाएगी। थोड़ा सा इस क्लिप को यहाँ से थोड़ा सा कट कर देना एंड इसके बाद ओके हो जाएगा। तो अब लोग हम लोग चला के देखते हैं इसको, तो इस क्लिप को ना यहाँ पे लेयर पे जाएंगे एंड फोर्थ वाले के ऊपर कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, फोर्थ के ऊपर कर देंगे जैसे कि इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये इफेक्ट अपना बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको करना है एंड इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है आपको यहाँ से इसको कट कर देना, मैं सारा एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर कट कर देता हूँ। अब आ रही आती है अपनी यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमें टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर एंड यहाँ पे जाने के बाद हम लिखेंगे इमोट, इमोट लिखने के बाद यहाँ पे स्पेस दे देंगे एंड यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क लगा देना है एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे फॉन्ट के ऊपर एंड यहाँ पे जो मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ भाई, आपको यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करना है तो देख सकते हो मैं ये वाला फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको थोड़ा सा जूम करेंगे इस तरीके से एंड यहाँ पे लेके आ जाएंगे एंड जाएंगे इफेक्ट के अंदर। इफेक्ट में जाने के बाद जाएंगे यहाँ पे रेड पे, रेड पे जाने के बाद यहाँ पे ये वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है एंड इसके बाद जाएंगे हम लोग यहाँ से एनिमेशन के अंदर, एनिमेशन के अंदर जाने के बाद लूप पे जाएंगे, लूप पे जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है सीने वाला इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसको फुल कर देना है स्लो यहाँ पे एंड इसके बाद इसको अप्लाई कर देना यहाँ तक जहाँ तक अपनी एरोप्लेन नहीं आती। तो कहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक इसको कुछ इस तरीके से
कुछ इस तरीके से इसको अप्लाई कर देना है, कुछ इस तरीके का एनिमेशन ये बन जाएगा। तो तुम लोग देख सकते हो काफ़ी कूल एनिमेशन लग रहा है। एंड इसके बाद तुम लोगों को अपनी जो क्लिप है वो बन के रेडी हो जाएगी। तुम लोगों को साउंड का, इसके अंदर मैं साउंड दूंगा ना, तो आपको थोड़ा सा साउंड का एडजस्ट रखना है। वो चीज़ आपको इसके अंदर मैं नहीं सिखा सकता, किसी भी तरीके से नहीं सिखा सकता। एंड आप लोगों को थोड़ा सा साउंड यूज़ करते वक्त अगर आप लोग इसके साउंड एडिट करोगे तो थोड़ा बहुत वीडियो को एडजस्ट कर लेना, आगे पीछे कर लेना, साउंड से मैच करते हुए बनाना तुम लोग, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एंड इसके बाद आप लोगों को मैं इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। एंड उससे पहले किस तरीके से रिकॉर्ड करना सब कुछ वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों को अपना गेम मैच ओपन कर लेना है। गेम ओपन पर आपको यहाँ पे जो सोलो वर्सेस कोड है या जितना भी आप लगाना चाहो, तो मैं यहाँ पे सोलो वर्सेस कोड लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑटो मैच ऑफ कर देंगे एंड इसके बाद गेम को अपना जो है स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके की आपको एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेनी है जिस तरीके से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे 10 सेकंड से आपको स्टार्ट करना है। आगे क्लिप किस तरीके से रिकॉर्ड करनी बता देता हूँ। एंड एरोप्लेन आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको कुछ इस एंगल में रखना है, बता देता हूँ, कुछ इस एंगल में आपको इसको रखना है। एंड इस हिसाब से चलते रहना है। एंड यहाँ से आप लोगों को इसको रिकॉर्ड कर लेना है, यहाँ से आपका काम जो कम्प्लीट हो जाता है। तो इसके बाद आपको मैं इमोट का बता देता हूँ किस तरीके से आपको इमोट रिकॉर्ड करनी है। एंड अगर आप लोगों के पास जो मैंने इमोट यूज़ किया है वो इमोट नहीं है, मैं दिखा देता हूँ मैं कौन सा यूज़ किया था मैंने इमोट। तो मैंने ये वाला इमोट है जो यूज़ किया था। एंड अगर आप लोग पास ये वाला इमोट नहीं है तो इसके अलावा कौन सा इमोट यूज़ कर सकते हो बता देता हूँ। एक वाला है, इस पर जाना है। एंड इसके बाद इसका जो इमोट है ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहो। एंड इसके अलावा तुम लोग M10 14 वाला तुम लोग इमोट यूज़ कर सकते हो, ये वाला चाहो तो तुम लोग ये भी इमोट यूज़ कर लेना। तो दो इमोट ऑप्शन आपके लोगों के पास है। एंड बाकी मेरी क्लिप यूज़ करना तो मेरी क्लिप भी यूज़ कर सकते हो। एंड मेरी वाला इमोट है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरीके से तुम लोग इमोट भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बैकग्राउंड तुम लोगों को वहीं से रिमूव हो जाएगा कैप कट के अंदर से। अनस्क्रीन वेबसाइट है, उस पर जाके तुम लोग यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तब लोगों को मैं दिखा देता हूँ प्रीव्यू कैसा अपना वीडियो बनाए। बदमाशी करा जो तेरा यार, कल इसी से गा।